पुरी सहरर प्रवेशपथ मूसा नदी संप्रसारण प्रथम पर्यायर प्रकल्प पाई प्रथम जनशुनाणी करा जायछि। प्रकल्प पाई मोट 46 एकर 60 डिसमिल जमीर आवश्यकता थिबा बेले 12 एकररु अधिक जमी अधिग्रहण हो सारिलानी। मुख्यमंत्री पुरी सहर को विश्वस्तरीय ऐतिह्य सहर रे परिणत करबा पाई देखिथिबा स्वप्न रे आउ एक फर्द जोड़ी हो जायछि। मूसा नदी संप्रसारण एवं सौंदर्यकरण पाई राज्य सरकार अबढ़ा योजन 250 कोटि टंका जगाई। प्रकल्प द्वारा स्थानीय अंचल युवक माने कुशली एवं अर्धकुशली कर्मचारी भावे नियोजित हो पारे। यार प्राकृतिक सौंदर्य एवं नौका विहार पर्यटकों विमोहित कर। तेज वर्षा दिने जलबंदी समस्यार समाधान सह जल निष्कासन व्यवस्था उन्नति घट। एहा मध्यरे सामाजिक प्रभाव आकलन शेष होता बेले मूसा नदी प्रथम पर्याय संप्रसारण निमन्ते समंग माटीतोटा एवं मार्कंडेश्वर साही एक पाई आज जगन्नाथ बल्लभ कॉम्प्लेक्स परिसर रे जनशुनाणी होता। एहा मध्यरे मार्कंडेश्वर साही मौजार 7.293 एकर माटीतोटा मौजार 10.97 एकर एवं समंग मौजार 28.346 एकर जमी अधिग्रहण हेबो। 12.746 एकर जमी 2013 जमी अधिग्रहण आईन अनुसार खरीद हो सारी बेले अवशिष्ट जमी अधिग्रहण पाई जनशुनाणी करा जायछि। एही जनशुनाणी रे जमी मालिक माने महाप्रभुंक पाई जमी देबाकु प्रस्तुत थिले मध्य रहिथिबा जमी विवादर समाधान करी उपयुक्त क्षतिपूरण देबाकु मत प्रकाश पाइछि। आमे डिस्कशन करू आमर एक्चुअली आम नारे पट्टा पाउ अछि आमर दीर्घ 1972 रही छि। आमर जड़े इमित लोक जार कि ना सी गोटे केस कर जोटा कि आम कोर्ट गढ़ुच्छे एवं आम शेष पर्यायर हाइकोर्ट अर्डर आनलु। हाइकोर्ट भी कहला यहाँ तर जेहेतु आर आर अच्छी पट्टा अच्छी प्राप्य दि जाऊ किंतु एपर्त जो जनसमाणी को आसलू एपर्त आम न्याय पाऊन किंतु आम चाहूँ आम जमी नहीं आमको केमी पैसा दि जाऊ। आज कार्यक्रम थी सरकार तरफ मूसा नहीं फ्रेज वन संप्रसारण से जनशुनाणी होता है और आमको नोटिस मध्यम ग्रामवास को जड़े दीजा एकंतर जो मैंने सरकार जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 धारा 24 रु धारा 30 मध्य अच्छी जो मैंने मालिक नदी से विस्थापित होता घर न थौ से चाषवास कर जीविका नहीं जीविका निर्वाह करते से घर न थौ दुख नाई से जीविका हरुँच से चाष हरुँच सबुदिन बेसार हो जाए सारा जीवन पर तेनाली क्षतिपूरण देवाई आईन में स्वतंत्र भाव लिपिबद्ध हो प्रशासन को से हिसाब से दाबी देलु एवं दाबी कलु जोटा कि श्री क्षेत्र आमको से पर्यटन किसी दि जाए ना आम प्राप्य आम पाइन जगह हरईचु तेणु प्रशासन को आम दाबी और आपत्ति रखिलु जे आमको आगामी दिन में गोटे गोटे उच्चस्तरीय कमिटी गठन करमको आम प्राप्य पाइबा व्यवस्था कर। मूसा नदी जो फेज वन जो आमर लैंड एक्विजिशन प्रोसेस रही तार आज जनशुनाणी थिला सेथिरे माटीतोटा मार्कंडेश्वर साही समंग मौजार समस्त अधिवासी जो जो मैंने पार्टिसिपेट करते मतामत देते समस्त मतामत देते जे पूरीर मैक्सिमम टाइम जो आमर जल जापनी निष्कासन हो पार नहीं मूसा फेज वन निहाती जरूरी कारण मूसार जो पा क्लीअर ना फल आम समुद्र को पा जाए जहाँफल पूरीर बहुत जलान्वन होता राज्य सरकार जो पदक्षेप नहीं जे मूसा को वाइडनिंग करा जीवो ता सहित श्री सेतु सहित ताकु जो विकास करा जीवो सेतिरे टूरिज्म रो मद बढ़िवो एवं जल मद निष्कासन हेई आम समुद्र को जाई पारिवो एथिरे समस्तंकर जनश्रेणी रे समस्त एई जो सरकार राज्य सरकार जो अभिमुख नहीं ताकु प्रशंसा करिसंती जहार जहार किछि अछि इश्यूज ताकु मद आम सरकारी स्तर रे ताकु मद सॉल्व करा जीवो सेतिपई रे तबे आज जनशुनाणी कार्यक्रम में उपजिलापाल अध्यक्षता करथिबा बेले तहसीलदारों सह वरिष्ठ अधिकारी एवं श्रीमंदिर प्रशासन अधिकारी माने मध्य उपस्थित थिले। तबे आज आरंभ होइथिबा एही जनशुनाणी 4 दिन धरी अनुष्ठित हेबो। ब्यूरो रिपोर्ट प्रयास न्यूज।